कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। जयराम रमेश ने कहा, ये एक व्यक्ति का अहंकार और आत्म प्रचार की इच्छा है जिसने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित कर दिया है। उन्होंने पीएम पर तंज कसते हुए उन्हें मोदी द इनॉग्रेट कहा है। गुरुवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा, कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में देश के सबसे बड़े न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया। ये एक व्यक्ति का अहंकार है और आत्मप्रचार की इच्छा है जिसने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को 28 मई को नई दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन करने के संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित कर दिया है। जयराम रमेश ने देश में महान की उपाधि पाए दो शासकों से तुलना करते हुए आगे लिखा, अशोक द ग्रेट, अकबर द ग्रेट और मोदी द इनॉग्रेट। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से न कराए जाने के विरोध में कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी और आम आदमी पार्टी समेत देश के 19 राजनीतिक दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इन दलों ने एक संयुक्त बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। बयान में कहा गया कि लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया गया है, ऐसे में हमें इस इमारत में कोई मूल्य नहीं नजर आता। हम निरंकुश प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।